तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब कि सेल एंड सप्लाई कहने को बहुत छोटे शब्द होते हैं, पर इस काम के अंदर इतनी कमाइयां हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। सेल्स एंड सप्लाई में आज जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जितने भी व्यापारी हैं, जैसे कि अनिल अंबानी धीरू भाई अंबानी का बेटा है, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हो आप देखे हो, अदानी है, अंबानी है, या जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने शुरुआत कहीं ना कहीं छोटे से की थी। और कहीं ना कहीं शुरुआत इंसान छोटे से ही करता है। मैंने भी शुरुआत पटरी से की थी, मैंने 5 साल पटरी पर काम किया हुआ है। यानी कि अगर मैं अपने आप को पीछे 5 साल पहले देखता हूं, तो मैं सिर्फ पटरी पर बैठा हुआ, कट्टे पर नीचे बिछाकर सामान बेचने वाला एक इंसान था। और मैं भगवान का शुक्रिया करता हूं कि आज मैं एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहा हूं, आप लोगों का प्यार मिलता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीजें रख सकूं जिससे आप लोगों का भी कुछ ना कुछ रास्ता बने, कुछ रास्ता खुले। कहते हैं ना कि एक छोटी सी सोच और एक छोटी सी मोच, ये दोनों बहुत तकलीफ देती है और कभी कभी वो फायदा भी पहुंचाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने भी आपके सामने एक अपना छोटा सा बाजार लगा रखा, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, कितना करता हूँ और कितना कमाता हूँ। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सप्लाई, सबसे पहले भी मैंने कुछ दिन पहले आपके सामने इंजन ऑयल को लेकर वीडियो डाली थी, शायद आपने उसको देखा होगा। ये एचपी का इंजन ऑयल है। यानी कि देखो, यूट्यूब पर आपने बहुत ही लोगों की वीडियोस देखी होंगी जो सेल्स और सप्लाई को लेकर तरह तरह की बातें बनाते हैं, कितनी सारी बातें बोलते हैं। हालांकि उनके सिर्फ जुबानी जो है वो है, बाकी हकीकत उनसे बिल्कुल परे है, कोई उनका इंटरव्यू से लेना देना नहीं होता। यहाँ तक कि आपने मेरे चैनल पर देखी होंगी वीडियोस, सारी वीडियोस मेरी प्रूफ के साथ होती है, सारी वीडियोस आपने प्रूफ के साथ देखी है मेरी। मैंने कभी भी बातें ऐसे नहीं करी, जो चीज मेरी अजमाई हुई है, जो काम मैंने किया हुआ है, वही चीज मैं आप लोगों तक रखता हूँ हमेशा। यानी कि जो भी सच्चाई है वही आप तक आती है। ये इंजन ऑयल को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके सामने, और मैंने बताया भी था कि ये इंजन ऑयल मेरे को 170 का पड़ता है, मैंने इसको 190 के हिसाब से दुकान पे छोड़ा हुआ है। यानी कि और इसके सप्लायर का नंबर, सारी डिटेल मैंने अपनी वीडियो में दी हुई है। ये पीस मेरे को 190 का पड़ता है, 170 का पड़ता है, 190 के हिसाब से एक दुकान पर 3 पीस छोड़े हुए मैंने, टोटल 7 दुकान पर मेरा माल अपनी जेब से लगाया हुआ है मैंने पैसा, दुकानदार से मैंने 1 रुपया नहीं लिया हुआ। उसको बोलता हूँ तू बेच दे, काम कर दे, उसके पास दे दे। यानी कि उसको मार्केट जाना नहीं पड़ता, मार्केट से लाना नहीं पड़ता, पैसा लगाना नहीं पड़ता, फ्री फंड में मैं उसकी दुकान पर जाकर सजा देता हूँ कि ले लिया। उसके पास गाड़ी आएगी, सर्विस करेगा, तो मेरे वाला इंजन ऑयल डालेगा। क्यों? ना तो उसको लाना पड़ा और ना उसकी लागत लगी हुई है। 3 पीस वो शाम तक बेच देगा, अगले दिन सुबह जाऊंगा, 3 पीस के पैसे लूंगा और 3 पीस उसको दे दूंगा। 7 दुकान पर माल है, डेली कम से कम 400-450 रुपये कमाई है सिर्फ इसी से। इसमें मेरी 100 रुपये की कॉस्ट आती है, मुझे मार्केट जाना पड़ता है एक बार, इतना ही मेरे को दिक्कत है। और मार्केट में मैं खाली नहीं जाता, यहाँ से ओला उबर को गो टू होम डालता हूँ मार्केट का, वहां से चावड़ी बाजार से उठाया और सीधा दुकान पर सप्लाई दे दी। यानी कि अभी स्टार्टिंग है वीडियो, ये वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, और आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी इस वीडियो के बाद, बिल्कुल आपकी सोच है ना, बिल्कुल बदल जाएगी। ये मैं आपको सिर्फ एक नमूना बताया है कि डेली 400-450 रुपये की अर्निंग मेरी सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल से है, और ये भी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं। आप देखोगे तो 20 दिन पहले से ही मैंने इस पर विचार किया था। अब मैं आता हूँ बैग पर, ये बैग मेरा अब से नहीं है, ये बैग मेरा पिछले 4-4.5 साल से चल रहा है। आज भी हमारे एरिया की 6-7 दुकान है जिसपे मेरा माल चलता है, कम से कम 6 पीस का ऑर्डर लेता हूँ मैं बैग। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं चाहता मैं, इस तरीके से मेरे पास ये 3-4 मॉडल है, ये 3 मॉडल है मेरे पास, ये 3 मॉडल मेरे चलते हैं मार्केट में। 6 पीस का ऑर्डर कम से कम लेता हूँ, जिस दिन जाना होता है सिंगाड़ा चौक नबी करीम सदर बाजार के अंदर, 6 पीस, 6 से 12, 6 से 18 पीस उठाता हूँ यहाँ से गो डाउन करके सिंगाड़ा चौक नबी करीम, और वहां से वापस सीधा उसी दुकान पर जिस दुकान पर इसकी सप्लाई जानी है। इसके बाद देखो आप, ये मास्क है, इस मास्क पर 1.5 रुपये 1 पीस तो बचता, ज्यादा नहीं। सप्लाई में जब देता हूँ तो 1.5 रुपये 1 पीस मिलता है, पर कम से कम 200 पीस का ऑर्डर लेता हूँ, उससे गंदा नहीं लेता, ताकि अगर मैं वहां से बैग में रखते हुए ले आऊंगा पीछे कस्टमर को बैठाकर, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि इसके जो पैसे आते हैं वो आते ही है। इसके बाद आप देखो, ये हमारा SD कार्ड, SD कार्ड में मेरे पास 16 GB और 32 GB, ये 2 है SD कार्ड। इसमें मेरे को इसकी जो रिटेल है, यानी कि 270 रुपये में बेचता हूँ, इसका मैं होलसेल आपको बताऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा इसका, तो SD कार्ड। इसके बाद आप देखेंगे मेरे पास चमड़े की ये बेल्ट है, मतलब कि मेरे पास जो सबसे टॉप क्लास की चमड़े की बेल्ट है वो ये है। इसका होलसेल प्राइस है 140 रुपये, मार्केट में लेने जाओगे तो ये पीस आपको कम से कम 450-500 रुपये का मिलेगा। मैं भी इसको शोरूम पर, दुकान है जो शोरूम लेवल की दुकान है, उस पर इसकी सप्लाई जाती है मेरी। यहाँ पर अगर मैं बेल्टों की बात करूंगा तो आपको पता है मेरे पास हल्के से हल्की बेल्ट भी होती है और भारी से भारी बेल्ट भी होती है। इतने प्रूफ के साथ आपने यूट्यूब पर कभी भी वीडियो देखी नहीं होगी, और क्योंकि जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं ना, वो उनके पास प्रूफ होता ही नहीं है, वो सारा स्क्रिप्टेड होता है। यानी कि पहले वो पूरा पूरा सोच समझ लेते हैं कि ये बोलना वो बोलना वो बोलना वो बोलना, यहाँ पर सारा कुछ होता है आंखों के सामने। ये तो सिर्फ
सैंपल है, ये सैंपल है मेरे भाई। यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कम से कम 45-50 पीस है, ये सैंपल्स हैं। मेरा गोदाम भी दिखाऊंगा आपको कभी ना कभी, मेरा गोदाम है, देखोगे तो बताना मेरे को। ये देखो, ये है मिनी स्पीकर, इसको बोलते हैं WH887। इसकी जो कॉस्ट है होलसेल में, ये आपको मिलेगा करोल बाग में, कफार मार्केट में, इसकी जो होलसेल की कॉस्ट है वो है 145 रुपए, 190 रुपए के हिसाब से दुकान पर छोड़ता हूँ मैं, 190 के हिसाब से दुकान पर छोड़ता हूँ। और ये ईयरफोन्स वगैरह आपको पता ही है, और ये डाटा केबल्स हो गए, यानी कि मैं एक दिन की कॉस्ट पर जाऊंगा तो समझ आएगा। मैं आपको सिर्फ एक नजराना पेश कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। ये टोपी है 45 रुपए की कॉस्ट की टोपी है, 80 रुपए होलसेल में छोड़ता हूँ, 150 रुपए में दुकानदार बेचता है। ये देखो 22 रुपए की टोपी है, 45 रुपए में छोड़ता हूँ, 90-99 की सेल में दुकानदार लगाता है इसको। ये ट्राइपॉड है, 135 रुपए की कॉस्ट है ट्राइपॉड, 135 रुपए मार्केट में लेने जाओगे 350 रुपए का आएगा, 200 रुपए के हिसाब से मैं छोड़ता हूँ दुकान पर सप्लाई देता हूँ। ऑर्डर आने पर इंजीनियर को मैंने आपको बता दिया, यानी कि मैं अगर अभी यहाँ पर खोलना शुरू करूंगा तो, और ये तो सिर्फ मैंने सैंपल रखे हुए अपने घर के अंदर, गोदाम पर चलेंगे किसी दिन और आपको दिखाऊंगा। मेरा इस चैनल को बनाने का जो मकसद था ना, वो असल में यही था, पर मैंने जो रास्ता अपनाया वो ओला उबर जोमेटो रेपिडो पोर्टर बी फर्स्ट वगैरह की ओर से आता हुआ मैं झगड़ा पाया। मेरा जो मकसद था वो यही है। इसके अलावा भी मेरा चैनल है, वो चैनल लगभग 2.5 साल पुराना चैनल है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैंने अभी तक आपको सामने उस चैनल का जिक्र तक भी नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं था कि मैं अपने उस चैनल की सपोर्ट में यहाँ पर, यानी कि मुझको अपने ऊपर विश्वास है, अपने टैलेंट पर विश्वास है। मैंने अभी तक उस वाले चैनल के लोगों को इसके बारे में या इस वाले चैनल के लोगों को उसके बारे में बताया तक भी नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मेरे अंदर अभी भी वही गट्स है, वही ताकत है या नहीं, मैं दोबारा खड़ा हो सकता है नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो गोदाम से लाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, अब मैं हैप्पी एंडिंग के साथ इस वीडियो को खत्म करने वाला हूं। ओला उबर जोमेटो रेपिडो बी फर्स्ट बोर्जो वगैरह, ये सब, इन सब के साथ आप दौड़ते रहोगे, आपकी कमर टूटेगी, आपका शरीर टूट जाएगा, आपका बाइक टूट जाएगी, आप अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे, हम लोग क्या दे पाएंगे अपने बच्चों को? ओला उबर की आईडी दे देंगे के लिए बेटा इससे तो संभाल ले। आज जो मैं कहूंगा धीरू भाई मानेगी, तो 5 लीटर मट्टी तेल से पैदा हुआ था वो, आज उनके कारखाने हैं, मतलब कि कोई आइटम छोड़ा ही नहीं, डीजल पेट्रोल हो, यानी कि कोई आइटम नहीं छोड़ा इन्होंने। हम लोगों को भी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना कहीं ना कहीं से, अगर हम लोग ओला उबर जोमेटो रेपिडो में रहेंगे तो हम लोग अपने बच्चों को भी यही दे पाएंगे, इसके अलावा हम लोग कुछ दे भी नहीं पाएंगे अपने बच्चों को। यानी कि यार मैं तो भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहां तक लाकर खड़ा कर दिया, जबकि मैंने 5 साल पटरी लगाई हुई है। मेरे जो साथ के बंदे थे वो पटरी पर देखते थे तो वो मेरी लाचारी महसूस करते थे कि यार ये देख कितना लाचार है यार, ये कैसा बंदा है। मुझको पता था कि मेरा जो आगे का टारगेट था वो क्या है क्या नहीं। आज मुझे पटरी लगाने की जरूरत तो नहीं है, पुरानी आदत है कभी कभी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए आज भी चला जाता हूं, ऐसी बात नहीं। आज भी मैं बिल्कुल नरम इंसान हूं, बड़ा ऐसे चलता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस काम को शुरू कर सकते हो। किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको अपने घर के आसपास देखना है कि किस चीज की डिमांड है, या आपके घर के आसपास कौन सा ऐसा आइटम है जिसको आप वहां पर उतार सकते हो। लिस्ट बनाओ, छोटी सी लिस्ट बनाओ, 3-4-5 आइटम की ऐसी लिस्ट बना लो कि आप अपने इस एरिया में ये आइटम चला सकते हो। उसके बाद आप कुछ नहीं, यूट्यूब पर आ जाओ, कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है वीडियोस, हर एक चीज की होलसेल की मार्केट आपको यूट्यूब पर मिल जाती है। जिस भी आइटम के बारे में आप देखोगे आपको बकायदा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाते हैं, सारी डिटेल मिलती है। आप ये देखो कि आप यहाँ पर क्या रेट है, वहां पर क्या रेट है, बीच में क्या बचा सकते हो। कोशिश करो कि अपनी जेब से माल लगा कर, यानी कि चाहे भले आपको लोन लेना पड़ जाए, किसी से उधारी लेनी पड़ जाए। मैंने 1 लाख रुपए लोन लिया था और उससे शुरुआत की थी काम की, और मतलब कि अब मैं इससे आगे क्या बोलूं कि इस टाइम कुछ नहीं तो 70-80 हजार रुपए का हिसाब किताब है महीने का आ जाते होंगे इतना। तो कहने मतलब यह है कि भाई जब तक रिस्क नहीं लोगे लाइफ में कभी आगे जा ही नहीं पाओगे, रिस्क लेनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद रिस्क लिए बिना लाइफ में आगे नहीं जा सकते। या रिक्शा ले लो, या रिक्शा ले लो, रिक्शा का मतलब ये होगा ओला उबर चलाओ जब तक आपके शरीर में जाना है, जब तक आपके बच्चे चल रहे हैं। रिस्क लोगे नुकसान हो सकता है, पर इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को होलसेल में लेके आते हैं तो वो कम से कम अपने जितना खर्चा उतना पैसा तो दे ही देगा आपको, है ना, ज्यादा नहीं देगा, उतना तो दे ही देगा जितने का वो खुलाया हुआ है। तो फिर रिस्क किस बात की, कोई रिस्क भी नहीं है इस काम में। मान लो मैं एक बेल्ट लेकर के आया हूँ, 110 रुपए का एक पीस मुझे पड़ा है होलसेल में, चमड़े का पीस है, मार्केट में मुझे पता जाऊंगा तो 250-350 रुपए से कम में आएगी नहीं। अब मैं अगर 120 का ले आया तो क्या होगा भाई, 120 रुपए तो ये कम से कम दे देगा, है ना। पर ऐसा नहीं होता, कमाइयाँ होती हैं। बहुत सारी चीजें हमारे इस चैनल पर आने वाली हैं, चैनल के साथ बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।